नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे PKM2, PKM1 और ODC3, इनमें से आपकी खेती के लिए बेस्ट वैरायटी कौन सी है, कैसे कर सकते हैं आप इनमें से चुनाव। बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इन तीनों वैरायटी का फ़र्क बताया गया है, इसे भी आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो स्वागत है आपका खेती उद्योग चैनल पे। जानकारी से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुरुआत करते हैं PKM2 किन किसानों के लिए बेस्ट है। जाहिर सी बात है, इससे पहले वाले वीडियो में दी हुई जानकारी देख के यही लगता है कि जो ज़्यादा फसल दे यानी कि PKM2 वही सबसे बेहतर है, लेकिन इसमें दो मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल ये है, क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी है, इसका प्योर शुद्ध सीड मार्केट में मिलना नामुमकिन है। कोई भी आम कंपनी या किसान तकनीकी मुश्किलों के कारण इसे बना नहीं सकती। यहाँ तक जिन्होंने ये वैरायटी विकसित की है यानी तमिलनाडु कृषि विद्यापीठ से भी इसके बारे में हमने पूछ के देखा तो वहाँ पे भी ये बीज उपलब्ध नहीं है। काफ़ी कंपनियाँ इसे ऑनलाइन बेच रही है और उचित जानकारी के बिना लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। गुजरात राज्य के मेरे किसान भाइयों के लिए ये खास गुजारिश है, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। PKM2 वैरायटी की दूसरी मुश्किल ये है, इसके फल की लंबाई जो कि 4 फीट तक है, तो सवाल ये है क्या जिस मार्केट में आप इसे बेचने वाले हैं वहाँ इतनी लंबी फलियों को पसंद किया जाता है, क्या इसके आपको दाम मिलेंगे। और अगर जवाब नहीं है तो आपके लिए ये वैरायटी बेस्ट नहीं हो सकती। इस वैरायटी को लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, इसके शुद्ध बीज का उपलब्ध ना होना, और जब मार्केट में बीज ही अशुद्ध हो तो फिर किस भरोसे आप इसे लगा रहे हैं। लोकल मार्केट में 4 फीट जैसी लंबी फली को डिमांड ना होने के कारण सबसे बेहतरीन पैदावार हो के भी ये वैरायटी आज की तारीख में किसी के लिए भी उचित विकल्प साबित नहीं हो रही है। अब बात करते हैं PKM1 की, किन किसानों के लिए ये बेस्ट है। इसके फल की लंबाई जो कि 2.5 फीट तक है और साथ ही में ये साल में एक ही बार फसल देती है, इसलिए लोकल मार्केट में कम पसंद की जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए ये बेस्ट वैरायटी है। जो किसान लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ ही में जो किसान लोग अमरूद, नारियल, अनार, आम इस तरह के फलों के बगीचे में एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सहरोपण करना चाहते हैं तो आपके लिए PKM1 वैरायटी बेस्ट है। बाकी फलों के बगीचे में सहरोपण के लिए बगीचे के व्यवस्थापन को ध्यान में रखते हुए यह चुनाव आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। 3-4 साल तक, जब तक आपका बाकी फलों का बगीचा फसल देने लायक होगा, तब तक ये वैरायटी सहरोपण के तौर पे आपको वित्तीय उपज यानी पैसे दिलाती रहेगी, और जब बाकी फलों के पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उनके विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसकी उपज देने की आयु खत्म होते ही इसे आप निकाल दे सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी एक ड्वार्फ वैरायटी की जो हाल फिलहाल में काफ़ी पॉपुलर हो रही है, उसका नाम है भाग्या KDM01। तो देखते हैं ये वैरायटी किन किसानों के लिए बेस्ट है। किसान भाई जिन्हें अमरूद, नारियल, अनार, आम इस तरह के फलों के बगीचे में सहरोपण करने के लिए एक ड्वार्फ यानी बौने किस्म की प्रजाति चाहिए, और जो लोकल मार्केट में भी खाने के लिए पसंद की जाती हो, उनके लिए PKM1 से ये बेहतर विकल्प है। और इस वैरायटी को डेवलप किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेस बागलकोट कर्नाटका ने। यह तेज़ी से बढ़ने वाली लेकिन ड्वार्फ यानी बौने किस्म की प्रजाति है और काफ़ी पॉपुलर हो रही है। बीमारी और कीट का प्रकोप भी इसमें कम होता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 2 से 4 मीटर होती है। फल का वजन 100 ग्राम तक होता है और इसकी पैदावार प्रति एकड़ 17 से 20 टन तक आती है। ड्वार्फ वैरायटी होने की वजह से पेड़ का विस्तार कम रहता है और बाकी फलों के बगीचे में सहरोपण के हेतु यह बेस्ट वैरायटी है। अब बात करते हैं ODC3। ये जो वैरायटी है ये किन किसानों के लिए बेस्ट है।
ये एक ऑलराउंडर वैरायटी है, मार्केट लोकल हो या एक्सपोर्ट दोनों जगह बेहद पसंद की जाती है। खाने में सबसे बेहतर और टेस्टी है। जो किसान सहजन की खेती करना चाहते हैं और साथ ही में अल्पकालीन अवधि वाली फसल जैसे कि ज्वार, बाजरा, नाशपति, अनाज, मूंगफली, सूरजमुखी, प्याज, चना, उड़द, सलाद, भिंडी, हरी बीन्स, टमाटर, मिर्च, करी पत्ते, गवार और अन्य पत्तेदार सब्जियां सहरोपण के तौर पे लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ओडीसी 3 वैरायटी बेस्ट है। इससे आप सालों साल फसल ले सकते हैं और साथ ही में सहरोपण से होने वाली वित्तीय उपज यानी पैसे भी आपको अलग से मिल सकते हैं। दोस्तों PKM1 भाग्या या ओडीसी 3 के बीज खरीदने के लिए आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी ऑनलाइन स्टोर को विजिट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन स्टोर का पता है www.shetiudyogindia.com। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी खुशी के लिए ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।